नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 200 रुपये की अर्निंग कर ली है। ठीक है, 200 रुपये की अर्निंग कर ली है इस एप्लीकेशन से हमने, और यहाँ पर जेन्यून बहुत अर्निंग हो रही है गाइस। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 272,625 रुपये परवेज़ अलम जी ने कमाए हैं। अभिषेक सेन ने 262,060 रुपये कमाए हैं। उसके बाद ये जो ताहिर है उसने 236,965 रुपये कमाए हैं। उसके बाद ये पूरन सिंह जो है उन्होंने 222,700 रुपये कमाए, और नूर अलम है उन्होंने 219,100 उतने कमाए हैं। ठीक है, सभी को मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाकर आप पैसे कमा सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अपस्टॉक पर अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको 550 रुपये का मुनाफा होने वाला है। फिर जीपी पर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको 600 रुपये का। फिर ये जो एक्सिस डायरेक्ट है उस पर आप अकाउंट बनाते हो तो 550 रुपये का। उसके बाद आईसीआईसीआई पर डायरेक्ट अकाउंट बनाते हो तो आपको 400 रुपये, और फिशडम पर आप अकाउंट बनाते हो तो 400 रुपये, इतना मुनाफा होता है। अब यहाँ पर आपको लाइव अर्निंग में यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, आप देख सकते हो ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्यास कार्तिक, यहाँ पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग डन, ठीक है, पे आउट पेंडिंग, ट्रेडिंग मेरी डन हो चुकी है और पे आउट पेंडिंग है। अभी मुझे यहाँ पर 200 रुपये मिल चुके हैं इसी के। आप देख सकते हैं लीड क्रिएट 11 जनवरी को मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद 13 जनवरी को अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, दो दिन बाद। उसके बाद 20 जनवरी मतलब आज मेरा अकाउंट आ गया है, आधा अकाउंट मुझे मिल चुका है 200 रुपये। इसके अलावा मुझे 400 रुपये मिल जाएंगे 31 तारीख तक, मतलब 31 तारीख यहाँ पर दिखाया हुआ है। मतलब मुझे लगभग 4 या 5 दिन या फिर 6 दिन में मुझे यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, जेन्यून है पूरा, आप भी यहाँ पर वर्क कर सकते हो। दो अकाउंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ रहे हैं मेरे, देख रहे हैं आप, एक रिजेक्ट हो चुका है, दूसरा यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होगा इसका भी मुझे यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से वर्क कैसे करना है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे अकाउंट बनाना है इसके बारे में हम बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है गाइस। याद रखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर इसके अलावा आप इंस्टॉल करते हो तो पेमेंट डिले हो सकता है, मतलब पेमेंट आने में देर हो सकती है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक से इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको एप्लीकेशन खोलने के बाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्किप नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्किप नाउ पर क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पर सारा स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको समझा पाओ, ठीक है। जैसे ही आप स्किप नाउ पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। जो देखिए आपने आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला हुआ है, ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। OTP डालने के बाद OTP वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए OTP वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका खुद का आधार नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर कर लेना है बात को, आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर को आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेक श्योर इट्स यू, एंटर द OTP दैट सेंड ऑन द मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार कार्ड, मतलब आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वहाँ पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है गाइस। 1 2 3 4 5 6 छः अंक का डिजिटल OTP नंबर आएगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। OTP का फुल फॉर्म है 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है, वो आएगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जैसे ही आप डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मेरा रेफर कोड दिखाया हुआ होगा अगर आप लिंक से करते हो तो, और अगर यहाँ पर नहीं दिखाते हैं तो आपको ये वाला रेफर कोड आपको वहाँ पर डाल देना है। और
अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट नाउ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस, सक्सेसफुली लिखा हुआ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको सीधा नीचे चला जाना है, आधार कार्ड यहाँ पर आपका KYC हो जाएगा। जब आप पीछे मैंने आपको दिखाया कि आपको आधार कार्ड का OTP डालना है, तो आधार कार्ड यहाँ पर KYC हो गया है। अब पान कार्ड KYC यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है, आपको आप यहाँ पर देख सकते हो पान कार्ड KYC अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना पान कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। और जो पान कार्ड में आपकी बर्थ डेट की डिटेल है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, और यहाँ पर आपका नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो ये ऑरेंज कलर का जो सिंबल है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आधार कार्ड KYC आपका कंप्लीट दिखाई देगा, ठीक है। आधार कार्ड KYC कंप्लीट, पान कार्ड KYC कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर डालना है, तो बैंक अकाउंट आपके पास अगर पेटीएम बैंक है तो पेटीएम बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका बैंक है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का जो स्थान है वहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद IFSC कोड डालना है आपको। उसके बाद आपका जो पेमेंट नंबर, पेटीएम नंबर या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। मतलब आपका मोबाइल नंबर भी आप यहां पर डाल सकते हो। वो क्या है, आपको आपके बैंक अकाउंट के ऊपर से यहां पर नीचे आपका अकाउंट नंबर डालने को बोला जाएगा, उसको आपको यहां पर डाल देना है। ये सब होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वापस से आपके जो आपका जो नंबर है, जो आपने नंबर डाला है वहाँ पर OTP आएगा वेरीफिकेशन के लिए, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही OTP डाल दोगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई अकाउंट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको उस टॉपिक पर आते हैं कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं यहाँ से। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्लस वाला बटन है बीच में, देखिए ये प्लस वाला जो बीच में बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो को खास कह रहा हूँ आपको, आपको कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपका ही लॉस है, आप अच्छे से अर्निंग कर नहीं पाओगे। उसके बाद मुझे मत बोलना कि भाई आप हम अर्निंग कर नहीं पाए, आपका जो ये क्या बोलते हैं वीडियो आपने फेक बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना है, डीमैट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डीमैट अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपटॉक से GP है, एक्सिस डायरेक्ट है, फिर ICICI है, ठीक है, और फिस्डम है। ये पांच अभी यहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाने के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर हम जैसे ही GP पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको शेयर टू कस्टमर पर क्लिक करना है। शेयर टू कस्टमर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर नाउ पर क्लिक कर देना है। शेयर नाउ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपका जो नंबर है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और आपका जो अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट में आपने नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब आप ऑफिशियली यहाँ पर वर्क कर रहे हो ऐसा यहाँ पर दिखाई जाएगा। अब शेयर नाउ पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर अपना जो ये लिंक है उसे शेयर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लिंक शेयर कर देते हो गाइज, देखिए मैं किसी को भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इनको शेयर कर देता हूँ लिंक। जैसे ही मैं शेयर कर देता हूँ, अब इससे देखिए ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ गाइस, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो भी ओपन करता है उसको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले अगर आप ही इसे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का नाम डाल देना है, और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब सब कुछ आपको यहाँ पर ही सिखाया जाएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ से सीख लेना है। जैसे ही आप इस वीडियो को प्ले करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। साथी पर आपका स्वागत, देखिए आप सुन सकते हैं इसे। आज हम आपके लिए पेश करते हैं चॉइस डीमैट अकाउंट, जिसे आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कस्टमर के लिए चॉइस डीमैट अकाउंट कैसे फायदेमंद रहेगा। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपको सामने वाले को रेफर करना है और कैसे आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ को आप, चीज़ की सामने वाले को या फिर आप खुद ही रेफर कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट विथ IFSC कोड, बैंक अकाउंट विथ IFSC कोड एंड बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब आप जब भी क्लियर कर लोगे
मतलब जो आगे आगे स्टेप पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। अगर समझ में नहीं आता है तो गाइज आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बताइए। अगर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे डाल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, सब कुछ आपको 24 घंटे आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।